हेलो स्टूडेंट अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 कक्षा बारहवीं राजनीति विज्ञान के आंसर देखने वाले इस वीडियो में खंड आके चलिए स्टार्ट करते हैं तो कक्षा बारहवीं वालों का राजनीति विज्ञान का पेपर हो गया है तो देखिए इसका सॉल्व देखने वाले इस वीडियो में तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक एक से प्रश्न क्रमांक एक में सही विकल्प पूछे गए थे जिसमें फर्स्ट है कि गुट निरपेक्ष का मूल रूप से क्या अभिप्राय है तो उसका वो आंसर विश्व में शांति एवं एकता लाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके बाद सेकेंड देख लीजिए यूएसए एस ए आर के विगटन से विश्व की राजनीति हो गई है तो बहु ध्रुवीय इसका आंसर सही हो जाएगा इसके बाद थर्ड देख लीजिए भारत में संविधान कब लागू हुआ था तो ये लोग तो सभी जानते हैं यार भारत में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था इसका आंसर सही होगा इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक चार की तरफ तो इसमें दिया गया है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था इसके बाद है नौकरशाही का अर्थ क्या है नौकरशाही का अर्थ क्या है तो यहाँ आंसर इसका परफेक्ट था प्रशासन मंत्री के द्वारा होता है सा आंसर इसका परफेक्ट था छठवा देख लीजिए भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे तो यहाँ पर देखिए आ नंबर का जो दिया है ना सी राजगोपाल इसका करेक्ट आंसर होगा इसके बाद देख लीजिए प्रश्न क्रमांक सात जिसमें रग्तिस्तान पूछा गया है तो देखिए विश्व के प्रथम बिजनेस स्कूल की स्थापना खालिस्तान में हुई थी तो इसका परफेक्ट आंसर 1908 हो जाएगा 1908 में हुई थी चलिए बढ़ते हैं आगे तो यहाँ पर आठ देख लीजिए इसमें क्या दिया गया है इसमें दिया गया है आसियान संगठन में भारत को खालिस्तान का दर्जा प्राप्त है तो सलाहकार इसका सही आंसर हो जाएगा सलाहकार ठीक है सलाहकार इसका सही आंसर था इसके बाद देखिए आगे तो स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या पाँच सौ बासठ थी इसका पाँच सौ बासठ सही आंसर था इसके बाद है, हैगे मनी शब्द की जड़ें हैं खालिस्तान में तो यूनान ग्रीक देश लिख सकते हो आप यहाँ पर यूनान ग्रीक देश ठीक है इसके बाद है शिमला समझौता खालिस्तान में हुआ था तो दो जुलाई उन्नीस सौ बहत्तर में हुआ था दो जुलाई उन्नीस सौ बहत्तर में हुआ था ठीक है शिमला समझौता इसके बाद में बारवा है कि अनेक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं उसे क्या कहते हैं तो गठबंधन सरकार कहते हैं क्या कहते हैं गठबंधन सरकार इसके बाद लिख लीजिए तो तेरवा है यूरोपीय संघ की मुद्रा को एन कहा जाता है तो ये आपका हो जाएगा असत्य ठीक है इसके बाद है सन उन्नीस में रूस में वर्ल्ड सेवक क्रांति हुई थी तो ये क्या होगा सत्य हो जाएगा ठीक है इसके बाद में जो सभी होंगे आपके असत्य हैं सभी असत्य होंगे ठीक है ओनली एक चौदह था जो कि सत्य था इसके बाद देख लीजिए एक वाक्य या एक शब्द में इसमें आंसर आपको देने हैं तो उन्नीसवा है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहां पर स्थित है तो नीदरलैंड इसका सही आंसर हो जाएगा नीदरलैंड ठीक है इसके बाद देखिए भारत भूमंडलीकरण से कब जुड़ा तो उन्नीस इसका सही आंसर होगा उन्नीस ठीक है ध्यान रखना है आपको उन्नीस इसके बाद है भारत भाषा के आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम गठित हुआ था तो आंध्रप्रदेश चौदह सौ तैतालीस में गठित हुआ था आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश ठीक है इसके बाद देख लीजिए भारत के के दो पड़ोसी देशों के नाम लिखना है तो पड़ोसी देश आप नेपाल लिख सकते थे भूटान लिख सकते थे श्रीलंका भी लिख सकते हो और पाकिस्तान दो लिखना है ओनली कोई भी ठीक है इसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य राष्ट्र हैं तो पांच इसका आंसर परफेक्ट होगा इसके बाद देख लीजिए राजनीतिक दलों को किसके द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है तो इसका आंसर क्या होगा चुनाव आयोग द्वारा चुनाव आयोग ठीक है इसके बाद सही जोड़ी प्रश्न क्रमांक 25 तो इसमें होगा आपको फर्स्ट वाला देख लीजिए तो इसका दक्षेश तो इसका आंसर होगा फर्स्ट वाले का बी नंबर का आंसर होगा ठीक है ये वाला बी माना बी होगा इसका ठीक है इसके बाद देखिए विश्व का स्वास्थ्य संगठन तो इसका आंसर आपका डी होगा ठीक है डी वाला आंसर इसका हो जाएगा नई विश्व नई विश्व व्यवस्था के सूत्रधार तो इसका आंसर आपका क्या होगा ए वाला हो जाएगा फोर्थ का देखिए पुरुष तो पुरुष सरदार पटेल जी हैं अपने ठीक है इसके बाद देखिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एप वाला प्रजातंत्र में प्रतिनिधियों का चयन तो इसका क्या होगा फिर जनता होगा लास्ट ही बचा है तो इस प्रकार आपकी ये सही जोड़ी कंप्लीट हुई इसके बाद थे क्वेश्चन आंसर ठीक है तो ये लोग आप तो सभी करके आए होंगे क्योंकि पेपर आपको पहले से मिल गया होगा तो आप लोग चैनल पर नए थे तो यार सब्सक्राइब कर लेना और साथ में यार बेल आइकन भी प्रेस कर लेना और वीडियो को लाइक कर दीजिए थैंक यू